और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित कर दिया है। सरकार के इस फैसले से गौ पालन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं गौ तस्कर की जो घटनाएं सामने आती है उन पर रोक लगेगा। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में गोकशी अब बड़ा अपराध, गौ तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं, गाय को मारा तो पुलिस घर से उठा लेगी। महाराष्ट्र में गाय को लेकर शिंदे सरकार ऐसा फैसला लेकर आई है जिसने गौ तस्करी करने वालों के पसीने छुड़ा दिए। शिंदे सरकार ने एक आदेश जारी करके फैसला किया है कि महाराष्ट्र में अब गाय को राज्य माता घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने इस आदेश को जारी करने के साथ साथ देसी गायों के चारे और उनके पालन के लिए अनुदान भी घोषित किया है। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपोड़ होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से जहां गाय को राज्य माता का दर्जा मिल गया, वहीं इस आदेश से लोगों का गोपालन की तरफ रुझान भी बढ़ेगा और राज्य सरकार गौकशी और गौ तस्करी के मामले में पहले से ज्यादा चौकन्नी रहेगी। मतलब साफ है कि जो लोग अब तक महाराष्ट्र में गौ तस्करी करके अपनी दुकान चला रहे थे, अब उनकी दुकानें बंद हो जाएगी और अगर किसी ने चोरी छिपे गौ तस्करी करने की साजिश की तो महाराष्ट्र पुलिस उसे सख्त सजा दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे मुंबई धारावी में स्थित मस्जिद की, जिसे तोड़ा जा रहा है। मुंबई के धारावी में स्थित एक मस्जिद को लोग खुद तोड़े हैं कमेटी के। दरअसल इसी मस्जिद को लेकर बीते दिनों विवाद हुआ था, जिसके बाद अब लोग खुद इस मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ रहे हैं। ये मुंबई का धारावी इलाका है जहां महबूब ए सुबानिया मस्जिद पर हथौड़ा चला जा रहा है। मस्जिद के ट्रस्टी ही खुद मस्जिद तोड़ रहे हैं। कुछ दिनों तक प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोलने वालों की हेकड़ी ऐसी निकली कि अब खुद ही मस्जिद गिराने के काम पर लग गए। जानकारी के मुताबिक ये मस्जिद कथित तौर पर अवैध बताई जा रही है। कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रशासन के बदले खुद मस्जिद कमेटी के लोग इसे तोड़ रहे हैं। ट्रस्ट के लोग हैं वो खुद इसको तोड़वा रहे, क्योंकि जिस तरह से उस दिन बीएमसी की टीम पहुंची हुई थी और बीएमसी की टीम पहुंचने के बाद जिस तरह से हंगामा यहाँ हुआ था, काफ़ी झड़प हुआ था पुलिस के साथ, उसके बाद कहीं कई ट्रस्टियों ने समय बीएमसी से मांगा था। बीएमसी के समक्ष देने के बाद ट्रस्टियों ने लगातार सरकार से गुहार लगाई, कोर्ट में गए, लेकिन उनको राहत नहीं मिला, जिसके बाद आज खुद ट्रस्टी के लोग मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है तोड़ रहे हैं। ये देख रहे हैं जो नीला नीला पर्दा लगाया गया है वो अंदर तोड़ा जा रहा है। जो गुंबज है, गुंबज को शुरुआती में तोड़ा जा रहा था, जो लोग हैं वो तोड़ने के काम शुरू है, सुबह से शुरू है, लगातार तोड़ा जा रहा है। ट्रस्टियों द्वारा कहा जा रहा है कि हम लगातार कोशिश कर रहे थे इस अवैध मस्जिद को, अवैध हिस्से को बचाने के लिए, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुना, जिसके बाद हमें खुद तोड़ना पड़ रहा है। इससे पहले धारावी झुग्गी बस्ती में 21 सितंबर की सुबह उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब बीएमसी की टीम मस्जिद तोड़ने पहुंची थी। इसके बाद यहां बड़े पैमाने पर विवाद होने लगा था। इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए थे, उन्होंने मस्जिद को जाने वाला रास्ता भी रोक दिया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने मामले को संभाला था। मामला सुलझाने के लिए मस्जिद कमेटी ने 5 से 6 दिनों का समय मांगा था, लेकिन कानून के डंडे के सामने आखिरकार मस्जिद कमेटी को झुकना ही पड़ा और अब वो खुद ही मस्जिद तोड़ने के काम पर लगे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को सरकारी काम में बाधा डालने, दंगा फसाद करने और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि धारावी का महबूब ए सुबहानिया मस्जिद 60 साल से ज्यादा पुराना है। इस मस्जिद को 2 साल पहले नोटिस भेजा गया था, उस समय मामले में किसी भी तरह का हल नहीं निकला था।
ये मस्जिद जब बनाई गई थी तब ये ग्राउंड प्लस 2 मंजिल की थी। जनसंख्या बढ़ने की वजह से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए 1 मंजिल बढ़ा दी गई थी। 3 साल पहले से काम चल रहा था, नई मंजिल को लेकर ही विवाद है जिसे बीएमसी अवैध बताकर गिराना चाहती है। पहले हेकड़ी दिखाकर अवैध मस्जिद को टूटने से बचाने की कोशिश की गई, लेकिन जब कोर्ट ने भी बीएमसी को हरी झंडी दे दी तो कमेटी ने खुद ही मस्जिद को तोड़ना मुनासिब समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। सीधे मॉस्को से यूएई की राजधानी अबू धाबी में उत्तराखंड में मथुरा लोकसभा सीट, जम्मू कश्मीर लाल चौक, जीबी पंत अस्पताल। तो आप मंझी हुई नेता हो, आपके जो बयान है वो दिल्ली में गूंज रहे हैं। 24 में आप क्यों आएंगे? वही है सोही जो राम रची राखा, ने मोटे मोटे पत्थर फेंके गए, सब यहाँ पर महाकाल के भक्त हैं। देखिए महाभारत मेरे साथ शाम 5:57।